बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ, हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज रूम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता दें, महिलाओं के बीच झगड़ा हुआ है। महिलाओं ने यहां पर एक दूसरे पर कई हमले किए, झगड़े का सीसीटीवी सामने आया। एक लड़की की आंखों में डाला गया जहरीला पदार्थ, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, महिलाओं के झगड़े का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक लड़की की आंखों में डाला गया जहरीला पदार्थ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर सोनीपत से, इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं में झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर यहां हमला किया महिलाओं ने, महिलाओं के झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद एक लड़की की आंखों में यहां पर जहरीला पदार्थ डाला गया। पुलिस ने दो लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर सोनीपत से, इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं के बीच हुआ झगड़ा, महिलाओं के झगड़े का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों में डाला जहरीला पदार्थ। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, एक महिला की आंखों में डाला गया जहरीला पदार्थ, पुलिस ने दो लोगों को इस पूरे मामले पर किया गिरफ्तार। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो न्यूज रूम से इस वक्त की बड़ी खबर आप सबके बीच टीवी स्क्रीन पर, महिलाओं के बीच हुआ झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर महिलाओं ने हमला किया, जिसमें एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों में डाला जहरीला पदार्थ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं के बीच हुआ झगड़ा, महिलाओं ने एक दूसरे पर यहां पर हमला किया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों में जहरीला पदार्थ डाला, जिसके बाद महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं सोनीपत से, इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं के बीच ये झगड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों में जहरीला पदार्थ डाल दिया है और महिला की हालत काफी नाजुक, काफी गंभीर बताई जा रही है। लगातार न्यूज रूम से एक एक अपडेट आप तक। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदीप, महिलाओं के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों पर जहरीला पदार्थ डाला है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिएगा, ये सोनीपत के न्यू महावीर कॉलोनी की एक घटना है, जहाँ पर आपसी विवाद को लेकर जो है गली में दो परिवार की महिलाओं के बीच ये झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना बड़ा कि एक जो लड़की थी उसकी आंख के अंदर जो केमिकल डाला गया, जिसके चलते उसको स्ट्राइक कराया गया। हालांकि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को इसे गिरफ्तार भी किया है। जी, तो इस वक्त जिस महिला की आंखों में जहरीला पदार्थ डाला गया, उसकी हालत किस तरह से बताई जा रही है जयदीप? बिल्कुल, जिस लड़की की आंखों में केमिकल डाला गया है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। हालात जो है लड़की को धीरे धीरे जो है अब वो नॉर्मल जो है लड़की वो हो रही है, लेकिन पूरे मामले में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर सोनीपत से, महिलाओं के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक महिला ने दूसरी महिला की आंखों में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिसके बाद महिला की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है।